की जय। भारत माता की मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर है। 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 शहीद राजगुरु शहीद राजगुरु शहीद राजगुरु शहीद सुखदेव जी शहीद सुखदेव जी शहीद सुखदेव जी शहीद भगत सिंह 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 शहीद राजगुरु शहीद सुखदेव जी शहीद सुखदेव जी भगत सिंह भगत सिंह जिंदाबाद जी। देखिए आज हम यहाँ पर शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी की 90वीं जयंती को मना रहे हैं। आज का दिन पूरा देश जो है वो शहीदी दिवस के तौर पर मना रहा है। पुरानी सरकारों ने हमें पढ़ाया कि चरखा कातने से आजादी मिली थी, लेकिन यह सही मायनों में आजादी जो है इन वीरों की शहादत से प्राप्त हुई थी, ये आज पूरा देश जो है वो जान गया है। आज पूरा देश जो है वो आज शहीदी दिवस के तौर पर 23 मार्च को मना रहा है, क्योंकि सभी की एक ही मांग है कि जिस प्रकार से इन शहीदों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, इनको कुछ और ही इतिहास के पन्नों में जो है वो दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको चेंज किया जाए। इन शहीदों के बलिदान की वजह से आज हमारा देश जो है वो आजाद है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वर्षों से लगातार हम इस दिन को शहीदी दिवस के तौर पर मना रहे हैं, और हमारी मांग केवल एक है कि इन शहीदों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। जो आज भी शहीदी का दर्जे से वंचित है और इनके परिवार वाले कहीं ना कहीं घूम पड़े हैं, सरकार उनके परिवारों में जाए और उनका हालचाल पूछे। इस सरकार से हमें ये अपेक्षा है कि ये सरकार कुछ न कुछ इस पे करेगी और जल्द से जल्द इनको शहीदों का दर्जा जो है वो मिलेगा। भारत माता की। उसके अलावा हम युवाओं से आज ये एक अपील भी कर रहे हैं कि युवा जो हैं, जो आज नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको इन शहीदों से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि देश के लिए कैसे जीना और कैसे मरना है, जैसे इन शहीदों ने करके